देवरी कला देवरी विधानसभा के देवरी नगर युवा कांग्रेस के नगर अध्यक्ष अंचल सोनी द्वारा अपने फार्म हाउस पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन एवं प्रतिभोज कार्यक्रम का आयोजन किया। जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवरी क्षेत्र के कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री हर्ष यादव रहे। कार्यक्रम को सर्वप्रथम मुख्य अतिथि द्वारा सरस्वती माँ का पूजा अर्चना कर शुभारम्भ किया गया, जिसके बाद मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव का नगर अध्यक्ष युवा कांग्रेस के अंचल सोनी द्वारा फूल माला पहनाकर स्वागत वंदन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को क्षेत्र विधायक हर्ष यादव द्वारा संबोधित करते हुए युवाओं को हेयर पोलिंग पर अपनी मजबूत टीम खड़ी करने की बात कही गई। वहीं समुद्र दौरान कहा गया, कांग्रेस पार्टी आप सभी की पार्टी है। इस पार्टी में आज जो विधायक सांसद है वे युवा कांग्रेस की ही देन है। इन युवाओं में से भविष्य में कोई विधायक तो कोई सांसद होगा। आप सबके परिश्रम एवं मेहनत से उम्मीद करता हूं आने वाली 2023 में आप सबके मेहनत एवं परिश्रम से पुनः कांग्रेस की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में परचम लहराएगी। इसी दौरान अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद समस्त कार्यकर्ताओं को विधायक हर्ष यादव द्वारा प्रतिभोज दौरान भरत दाल बाटी परोसा गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ कांग्रेस जनवरी उपस्थित रहे। माध्यम से आपके सामने है, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, ये बात सही है। कौन इस जगह पर विधायक और सांसद बन के आ जाए, किसी के माथे में लिखा हुआ नहीं होता है। किस्मत और कर्म आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़े अवसर होते हैं। यदि आपने सत्य निष्ठा से पूरी कर्मठता से जो मात्र संगठन है उसके लिए सेवा भाव के लिए काम करने के लिए तत्पर रहे, तो निश्चित रूप से विधायक सांसद मंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंचाए लोग हमने बनते हुए देखे हैं। इसलिए युवा कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, बेहद कठिन समय है। पूरा प्रदेश और पूरा देश हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ, युवा कांग्रेस की तरफ टकटकी लगाए बैठा है। जब अराजकता का माहौल है पूरे प्रदेश में और देश में, भय का माहौल है, ऐसे में एक हमारी संस्था है, हमारी ऐसी पार्टी है जिसकी तरफ लोग लालायित होकर देख रहे हैं कि हमारी पार्टी कहां से कुछ करे। आज जरूरत इस बात की है कि हमें संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है, साथ ही हमें संबल बनने की आवश्यकता है। बोलो